हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन क्वालिटी इन फैक्ट्स। दोस्तों, आज मैं आपके सामने अपने लेक्चर सीरीज़ का ये पांचवा लेक्चर लेके आया हूँ। और इसे शुरू करने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि काफ़ी लोग मुझे नोट्स के बारे में पूछ रहे थे कि ये जो वन लाइनर नोट्स है, क्या ये हम डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, एप्लीकेशन में इस तरीके की कोई भी फैसिलिटी नहीं है कि आप इसको अपने फ़ोन में डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल पाओ। लेकिन हाँ, ये आपके लिए अपलोडेड रहेंगे एप्लीकेशन पे, आप कभी भी इसको एप्लीकेशन पे पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो पहला ही क्वेश्चन है, संरचनाएं कर्ता से महत्वपूर्ण है, यानी राज्य से महत्वपूर्ण उसके अंदर की संरचनाएं होती है। ये बात की थी केनेथ वॉल्ट्ज ने। तो आपने स्ट्रक्चरल रियलिज्म पढ़ा होगा, जिसे नियो रियलिज्म भी कहा जाता है, उसी का ये एक कॉन्सेप्ट है। और ये कहता है कि रियलिज्म का जो बेसिक अजम्पशन था कि एक्टर स्टेट जो होता है वो मेन एक्टर होता है, मुख्य अभिकर्ता होता है, उसी के इर्द गिर्द सारी राजनीति सभी चीज़ें घूमती थी। ठीक है, लेकिन जो नियो रियलिज्म आता है, जिसे स्ट्रक्चरल रियलिज्म कहा गया और केनेथ वॉल्ट्ज उसके फादर माने जाते हैं, इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, स्टेट इम्पोर्टेंट नहीं है, स्टेट से ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसके स्ट्रक्चर है। अब स्टेट के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के स्ट्रक्चर क्या है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, ठीक है, और चुनाव आयोग है। जितने भी स्ट्रक्चर है उनको माना गया है कि वो स्ट्रक्चर मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, कानून न्यायोचित और अन्यायोचित के नियम है, अर्थात जो चीज़ कानूनानुसार है न्यायोचित है। ये थॉमस हॉब्स की कोटेशन है और इस तरीके की कोटेशंस कभी भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। इन्होंने कहा कि लॉ इज़ द रूल ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट, यानी जो कानून होते हैं वही न्यायोचित और अन्यायोचित के नियम हैं। यानी जो चीज़ आप कानून के अनुसार कर रहे हो वही न्यायोचित है, कानून के खिलाफ अगर आप जा रहे हो तो आप अन्याय कर रहे हो। ठीक है, फंक्शनलिज्म मार्क्सवाद का विकल्प है। जिस प्रकार मार्क्स क्रांति से शोषण विहीन समाज की कल्पना करता था, उसी प्रकार प्रकार्यवाद कार्यों को अलग अलग संरचनाओं में विभाजित करके पूंजीवाद को निष्क्रिय करना चाहता था। तो फंक्शनलिज्म इज एन ऑल्टरनेटिव टू मार्क्सिज्म। तो ये आई थिंक ये नेट में आया था क्वेश्चन, वहाँ पे डायरेक्टली मैच करने के लिए ये क्वेश्चन आया था कि फंक्शनलिज्म को मार्क्सवाद का विकल्प किसने कहा। तो ये कहा था W.G. रेंसी मैन ने। नियो इंस्टीट्यूशनलिस्ट थिंकर माने जाते हैं थेडस कॉकपॉल। नियो इंस्टीट्यूशनलिज्म अभी आपके सिलेबस में लगा है NTA NET के कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। नियो इंस्टीट्यूशनलिज्म के ऊपर आपको वीडियो भी मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। नियो इंस्टीट्यूशनलिज्म का मतलब क्या होता है, अब दो प्रकार के इंस्टीट्यूशनलिज्म है, एक था आपका ओल्ड इंस्टीट्यूशनलिज्म, एक आया न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। जो पुराना संस्थावाद है उसने क्या बोला, उसने बोला कि हमने क्या करना है, हमने सिर्फ फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस की स्टडी करनी है। फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस लाइक आपने स्टेट के अंदर उसके पार्ट्स की स्टडी करनी है, विधायिका की स्टडी करनी है, आपने कार्यपालिका की और न्यायपालिका की स्टडी करनी है। लेकिन जो नियो इंस्टीट्यूशनलिस्ट है, उन्होंने क्या बोला कि हमें फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस की तो स्टडी करनी है, साथ में हमें इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन जैसे कि प्रेशर ग्रुप हो गए, सिविल सोसाइटी हो गई, उसकी भी हमें स्टडी करनी है। तो थेडस कॉकपॉल इसके एक चिंतक माने जाते हैं। ठीक है, औपनिवेशिक स्थिति। अब देखिए, पिछले लेक्चर में शुरू कर दिया था फ्रेंस फैनन को पढ़ने का, और फ्रेंस फैनन का बेसिक हमने शुरू कर दिया था कि उनका जो सारा चिंतन है वो रहा है रैशनलिज्म के खिलाफ, यानी रंग भेद की जो नीति थी उसके खिलाफ रहा है। तो इन्होंने क्या किया है, कॉलोनियल सिचुएशन नामक इनका बुक है और पूरी की पूरी इन्होंने इसके ऊपर स्टडी की है। और इसके अंदर इन्होंने औपनिवेशिक स्थिति में
कालो और गोरो के बीच संबंधों के मनोविज्ञान को समझने की कोशिश की। फ्रेंज ने अपनी पहली पुस्तक ब्लैक फैसिस व्हाइट मास्क में जो प्रकाशित की थी। तो बेसिकली क्या है, जो कॉलोनियल सिचुएशन है, ये इनकी बुक नहीं, इनका एक लेटर है, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था। और इसके अंदर क्या है, इन्होंने जो औपनिवेशिक स्थिति थी, यानी जो आप कह सकते हैं कॉलोनियल जो एरा था, कॉलोनियल एरा के अंदर किस प्रकार से गोरे और कालों के बीच भेद किया जा रहा था, उनका शोषण किया जा रहा था, उसके ऊपर इन्होंने काम किया, उसके ऊपर इन्होंने स्टडी की और इन्होंने अपनी पहली पुस्तक लिखी ब्लैक फेसेस व्हाइट मास्क, ये 1952 में प्रकाशित हुई थी। फ्रेंच फैनन ने औपनिवेशिक स्थिति में पितृवाद धारणा का भी जमकर विरोध किया। तो पितृसत्ता का भी इन्होंने इसमें विरोध किया कि औपनिवेशिक स्थिति के अंदर होता क्या है, एक तो काले और गोरों के बीच भेदभाव किया जाता है, साथ में जो पितृसत्तावाद होता है उसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच भी बहुत ज़्यादा मतभेद किया जाता है, इसलिए पितृसत्तावाद भी खत्म होना चाहिए। 1940 के दशक में फ्रेंच फैनन ने नेग्रिट्यूड का मतलब होता है काले लोगों का रंग भेद के खिलाफ, ठीक है, 1940 में इन्होंने क्या किया, काले लोगों के खिलाफ जो रंग भेद की नीति अपनाई जाती थी, उस आंदोलन से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने अफ्रीकी इतिहास, संस्कृति, मूल्यों को स्वीकार करने तथा उस पर गर्व करने का प्रयास किया। तो नेग्रिट्यूड जो मूवमेंट था, इससे इतने ज़्यादा ये प्रभावित हुए थे, इन्होंने क्या किया, पहले तो ये क्या करते थे, पहले ये अपने काले रंग की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे और अपने आप पे ये क्या करते थे, एक अपने आप को बहुत ही नीचा ये महसूस करते थे कि मैं तो बहुत ही इन्फीरियर हूँ सफ़ेद लोगों की अपेक्षा। लेकिन नेग्रिट्यूड आंदोलन ने इनको इतना ज़्यादा प्रोत्साहन दिया कि इन्होंने क्या किया कि हाँ, अफ्रीकी जो हिस्ट्री है वो बहुत अच्छी है, संस्कृति भी अच्छी है, उनकी वैल्यूज भी अच्छी है और हमें उसके ऊपर गर्व करना चाहिए, हम काले हैं तो क्या हुआ, हमें अपने काले रंग पर भी गर्व होना चाहिए, ठीक है। फ्रेंच फैनन ने अल्जीरियाई राष्ट्रीय मोर्चा यानी FLN के लिए और अल्जीरियाई अंतरिम सरकार के लिए उचित पाठ्यक्रम में काम किया कि जो नई अंतरिम सरकार अल्जीरिया में बन रही है उसमें क्या क्या सिलेबस होना चाहिए। फ्रेंच फैनन ने 1961 में अपनी मृत्यु से ठीक पहले अपनी अंतिम पुस्तक द रेस्ट ऑफ द अर्थ का प्रकाशन 1961 के अंदर किया, ठीक है, अपनी मृत्यु से ठीक पहले 1961 में इन्होंने इसका प्रकाशन किया था। फ्रेंच फैनन मार्क्स के एक बहुत बड़े प्रशंसक थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं माना कि मार्क्सवाद औपनिवेशिक स्थिति को समझाने के लिए पर्याप्त था। क्यों ऐसा इन्होंने क्यों किया, हालांकि वो मार्क्सवाद को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते थे, लेकिन उन्होंने मार्क्सवाद को कॉलोनियल सिचुएशन के अंदर रंग भेद की नीति को ख़त्म करने के लिए उचित नहीं माना, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने नस्लवाद को पूरी तरीके से अपने थीसिस के अंदर, अपने स्टडी के अंदर इग्नोर कर दिया था और उन्होंने क्या है, मेनली क्लासेस, आप देखते हैं, वर्ग संघर्ष के आधार पर ही पूरे के पूरे अपनी फिलॉसफी को बांटा था। फ्रेंच फैनन एक उचित समाजवादी समाज को मानता था जो मौलिक रूप से विकेंद्रीकृत होगा ताकि आम लोग पूरी तरह से शासन और अर्थव्यवस्था में भाग ले सके। और फैनन का भगत सिंह और अंबेडकर की तरह मानना था कि सामाजिक परिवर्तन के बिना स्वतंत्रता भ्रम की स्थिति होती है। तो इन्होंने क्या बोला कि हमें क्या है, पहले पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए, हमें पहले क्या है, राजनीतिक आज़ादी नहीं चाहिए, हमें पहले क्या चाहिए, पहले हमें सामाजिक परिवर्तन करना होगा, हमें पहले गोरे और कालों का भेद खत्म करना होगा सोसाइटी के अंदर, उसके बाद स्वतंत्रता मायने रखती है। तो ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक अनइक्वल एक्सचेंज का सिद्धांत दिया है समीर आमीन ने,
समीर अमीन एक मार्क्सवादी चिंतक है, उसी तरीके से नीचे डिपेंडेंसी थ्योरी भी दी है एजी फ्रेंक ने, और ये भी मार्क्सवादी चिंतक है। तो सबसे पहले अनइक्वल एक्सचेंज को थोड़ा सा समझ लेते हैं। अनइक्वल एक्सचेंज जो कॉन्सेप्ट है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमारे सामने आता है, जब ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशन बन के आते हैं। ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशन क्या है? वर्ल्ड बैंक और IMF। वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO भी आप बोल सकते हैं, जो आपका गेट उस टाइम से कहा जाता था, शुरू में इसको गेट कहा जाता था। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशन कहलाते हैं। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ क्या, इन ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस के द्वारा इस तरीके के कानून बनाए गए जिसे सैप्स कहा जाता है। सैप्स, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स। सैप्स की कुछ ऐसी पॉलिसी होती है जिसके द्वारा क्या है, वो ऋण देता है कुछ देशों को। सैप्स के द्वारा क्या है, अगर कोई देश इन बैंक से, लाइक वर्ल्ड बैंक से ऋण लेना चाहता है, IMF से वो ऋण लेना चाहता है, तो उसको सबसे पहले क्या है, सैप्स की पॉलिसी को अपने देश में लागू करना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है, आपको सब्सिडी भी खत्म करनी पड़ेगी देश के अंदर, ठीक है। देश के अंदर से जितने भी प्रकार की सब्सिडी आप अपने जनता को दे रहे हो वो आप खत्म करोगे, प्राइवेटाइजेशन को आप लाओगे, ग्लोबलाइजेशन के सिद्धांतों को अपनाओगे, यानी LPG के सिद्धांतों को अपनाओगे। तो उसके द्वारा क्या है, इस प्रकार की नीतियां बनाई जाती है कि अनइक्वल एक्सचेंज की स्थिति बन जाती है। अनइक्वल एक्सचेंज का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है, एरोप्लेन नहीं है, ठीक है, आपके पास क्या है, एरोप्लेन नहीं है। तो एरोप्लेन के लिए आप क्या करोगे, एरोप्लेन के लिए जैसे एक एरोप्लेन की कीमत है 1000 रुपीज, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक एरोप्लेन की कीमत है 1000 रुपये, लेकिन आपसे क्या किया जाएगा, आपसे बोला जाएगा कि हम लोग क्या है, एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे के साथ, मनी में एक्सचेंज नहीं करेंगे। आप लोग क्या करो, ये 1000 रुपये की जो एरोप्लेन है इसको ले जाओ, उसके बदले में हमें 100 बोरी गेहूं की दे दो, ठीक है। अब 100 बोरी गेहूं की कीमत कम से कम 10,000 तो होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये अनइक्वल एक्सचेंज होगा। डिपेंडेंसी थ्योरी दी है एजी फ्रेंक ने, और डिपेंडेंसी थ्योरी का मतलब होता है कि जो गरीब देश है, जो विकासशील देश है, वो अपने विकास के लिए डिपेंड रहते हैं विकसित देशों के ऊपर। वो क्यों विकसित देशों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, क्योंकि सारा का सारा धन कहाँ पे केंद्रित किया गया है, सारा का सारा धन केंद्रित है विकसित देशों के पास। सारी की सारी टेक्नोलॉजी कहाँ पे है, विकसित देशों के पास। अगर इन्हें कोई एक मिसाइल लेनी है, रॉकेट लेनी है, अपनी टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट करनी है, तो विकसित देशों से ही इनको वो लेनी पड़ेगी, क्योंकि सारा का सारा जो डेवलपमेंट की नीड है वो इन्हीं से पूरी होती है। 1993 में एक रामनंदन प्रसाद समिति का गठन किया गया था, और इसका गठन किया गया था OBC के अंदर एलीट वर्ग की पहचान करना, यानी OBC के अंदर जो क्रीमी लेयर से ऊपर लोग हैं उन लोगों की पहचान करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आपसे आ सकता है कि रामनंदन प्रसाद समिति किस विषय के साथ जुड़ी हुई है। इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये बुक लिखी थी LD White ने 1926 में, और उद्देश्यों द्वारा प्रबंध के साथ जुड़े हैं पीटर F. ड्रकर। अल्प विकास शब्द का प्रयोग सबसे पहले मार्क्सवादी चिंतक इमैनुअल वॉलरस्टीन ने किया था। तो अंडर डेवलपमेंट शब्द का प्रयोग किया था इमैनुअल वॉलरस्टीन ने, और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक सिद्धांत है जिसको हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। संवैधानिक उपागम के समर्थक है जेम्स ब्राइस व डायसी। संवैधानिक उपागम का मतलब क्या होता है, किसी देश को अगर आपने समझना है, किसी देश के सिस्टम को अगर आपने समझना है, तो उसके संविधान को आपको समझना पड़ेगा। अगर किसी देश के सिस्टम को आपने समझना है तो उसके संविधान को आप समझोगे, उसके संविधान की स्टडी करोगे, संविधान के आधार पर ही आप बता पाओगे कि किस प्रकार का वो सिस्टम फॉलो करते हैं। तो इसके साथ जुड़े हैं जेम्स ब्राइस और डायसी, और भी चिंतक इसके साथ जुड़े हैं जिसको हम आगे देखेंगे।
भारतीय पूंजीवाद का धर्मशाला मॉडल, भारतीय पूंजीवाद का धर्मशाला मॉडल दिया है राजकृष्ण ने, और इसके तहत इन्होंने हिंदू विकास दर की भी बात की है। तो भारतीय पूंजीवाद का धर्मशाला मॉडल से क्या मतलब है, 1960 के बाद आप देखते हो इस तरीके का नीतियां अपनाई गई भारत सरकार द्वारा, 1957 के बाद मेनली, 1957 के बाद इस तरीके की नीतियां अपनाई गई कि लाइसेंस राज लागू किया गया। लाइसेंस राज में होता क्या था, आप लोग क्या करो, आप लोग अपना एक लाइसेंस बनाओ और इंडिया के अंदर आप प्रोडक्शन करो, ठीक है, आपकी अपनी कोई भी फैक्ट्री नहीं होगी। फैक्ट्री किसकी होगी, फैक्ट्री होगी सरकार की, फैक्ट्री किसकी होगी, सरकार की फैक्ट्री होगी। आपने क्या करना है, उस फैक्ट्री में जाना है, वहाँ का लाइसेंस लेना है और वहाँ पे ठेके पे वो आपने फैक्ट्री ली और उस फैक्ट्री में आपने प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। अगर आपकी प्रोडक्शन अच्छी हुई, लाभ अच्छी हुई, तो आप गवर्नमेंट को टैक्स दोगे और अपना भी प्रॉफिट रखोगे। अगर आपको घाटा हुआ तो घाटा किसका होगा, सरकार का। जैसे धर्मशाला में आप जाते हो एक रात के लिए, वहां पे रहते हो, ठीक है, उसी तरीके से हमारा पूंजीवाद का मॉडल बना था किसके कारण, समाजवादी ढांचे के कारण, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कैपिटलिस्ट की नहीं होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, सरकार की। आप आइए, प्रोडक्शन कीजिए, आपका लाभ होता है तो देश का लाभ होगा, आपका घाटा हुआ तो सरकार का घाटा होगा, आपका नहीं, ठीक है। हर्बर्ट साइमन ने तार्किक प्रत्यक्षवाद यानी कि लॉजिकल पॉजिटिविज्म का समर्थन किया। हर्बर्ट साइमन ये बेसिकली पब्लिक एड के थिंकर है, तो पब्लिक एड की नेक्स्ट वीडियो में हम इनका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। तो लेकिन सबसे पहले आपको लॉजिकल पॉजिटिविज्म के बारे में पता होना चाहिए। लॉजिकल पॉजिटिविज्म का मतलब होता है, सबसे पहले आप पॉजिटिविज्म समझ लीजिए, पॉजिटिविज्म का मतलब होता है प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद वो चीज है जिसका मानना है कि कोई भी विचार आपके एक्सपीरियंस से नहीं आता है, कोई भी विचार आपकी बुद्धि से नहीं आता है, आपके एक्सपीरियंस से सारे विचार आते हैं। ये पॉजिटिविज्म ठीक उसी प्रकार का पॉजिटिविज्म है, प्रत्यक्षवाद है, जिस प्रकार का जॉन लॉक ने कहा था। जॉन लॉक ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसका दिमाग क्या है, खाली स्लेट की तरह होता है और धीरे धीरे एक्सपीरियंस से, उसकी सेंसेस से, जैसे उसने कुछ गर्म चीज़ को छुआ तो उसको पता लगा कि ये चीज़ गर्म है और इससे जल सकते हैं, ठंडी को छुआ तो ये उसको पता लगेगा ये चीज़ ठंडी होती है, तो उसकी जो सेंसेस होती है उसके द्वारा उसको नॉलेज मिलती है। तो ये बेसिक अजम्पशन है पॉजिटिविज्म की। प्रशासन के सिद्धांतों को मिथ एंड प्रोवर्ब कहा था हर्बर्ट साइमन ने, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, जो प्रशासन के सिद्धांत दिए गए हैं और जो अभी तक के चिंतक बोल रहे हैं कि जो प्रशासन के सिद्धांत है वो इंडिया में भी उसी तरीके से लागू होंगे और वो यूएसए में भी उसी तरीके से लागू होंगे, तो इसे कहा था कहावते हर्बर्ट साइमन ने, और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। सर्कुलर रिस्पॉन्स के रूप में नेतृत्व का सिद्धांत दिया है एमपी फॉलेट ने, सर्कुलर रिस्पॉन्स के रूप में नेतृत्व सिद्धांत दिया है एमपी फॉलेट ने। सर्कुलर रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आपने एक नीति बनाई, एक लीडर ने नीति बनाई और उसको इम्प्लीमेंट किया गया वर्कर्स के ऊपर, फिर उस वर्कर का रिस्पॉन्स क्या आएगा, वापस उसका रिस्पॉन्स आएगा। अगर यहाँ से अच्छी नीति बनाई गई तो ये जो वर्कर है ये अच्छे से रिस्पॉन्स करेगा, अगर यहाँ से गलत नीति बनाई गई तो ये गलत यहाँ से आपको वापिस रिस्पॉन्स करेगा। तो वो है सर्कुलर रिस्पॉन्स का सिद्धांत। तेहरान उद्घोषणा 1943 में हुई थी, और तेहरान उद्घोषणा का मुख्य मकसद क्या था, तेहरान उद्घोषणा का मुख्य मकसद था जो तीन मित्र देश थे उसमें पोस्ट वॉर की अवधि में पूर्वी यूरोप और जर्मनी के भाग्य के महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर चर्चा की गई थी। पोस्ट वॉर के बाद क्या था, अब देखिए तीन देश ये कौन थे, ये थे यूएसए, रशिया जिसे यूएसएसआर कहा जाता है, और तीसरा था आपका इंग्लैंड, ठीक है,
इंग्लैंड, ये तीन देश थे। और इन तीन देशों ने क्या किया, इन तीन देशों ने तेहरान उद्घोषणा के अंदर ये इस बात के ऊपर चर्चा की कि अब देखिए आपका जर्मनी हरा दिया गया है, आपका पूर्वी यूरोप जो है वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं यूएसएसआर के कब्जे से, यूएसएसआर तो नहीं कह सकते, जो आपका जो जर्मनी है, इटली है, इनके कब्जे से उसको हमने आज़ाद कर लिया है। 1943 के तेहरान उद्घोषणा में इन्होंने कहा कि जर्मनी का जो इलाका हिटलर ने कब्जे में कर लिया था और इटली का जो इलाका मुसोलिनी ने अपने कब्जे में कर लिया था, हालांकि इन दोनों देशों को हरा दिया गया है इस एरिया के अंदर, अब जो इटली का एरिया है, जर्मनी का एरिया है, जो इनके साम्राज्यवाद का एरिया था, उसको किस तरीके से हम डिवाइड करेंगे, क्या उनको आज़ाद रखेंगे या अपने में उनको मिला लेंगे, इस इशू को लेकर ही ये तेहरान उद्घोषणा हुई थी। फ्रॉम मोबिलाइजेशन टू रिवोल्यूशन चार्ल्स टिली की बुक है, ये बुक पहले भी आ चुकी है, पहले भी ये यहाँ पे रिपीट हुई है, रिपीट इसलिए हुई है ताकि आपको क्लियर हो जाए, आपको एक बार से रिवाइज हो जाए। साम्यवाद तथा उदारवाद में अंतर की जगह व्यवस्था तथा अव्यवस्था में भेद करना जरूरी है, इसी को ऑर्डर एंड डिसऑर्डर कहा है एसपी हंटिंगटन ने। ठीक है, तो अभी तक क्या हो रहा था, 1980s तक होता था कि साम्यवाद और उदारवाद की जगह ही को ही मेनली स्टडी का एरिया बनाया जा रहा था। 1980s तक क्या किया जा रहा था, साम्यवाद और उदारवाद को ही स्टडी का एरिया बनाया जा रहा था और उसमें अंतर किया जा रहा था कि साम्यवाद सरकार अच्छी है या उदारवादी सरकार अच्छी है, कम्युनिस्ट सरकार अच्छी है या अमेरिका की कैपिटलिस्ट सरकार अच्छी है। तो एसपी हंटिंगटन ने अपनी इस बुक में ऑर्डर एंड डिसऑर्डर में कहा कि ऐसा है, साम्यवाद और उदारवाद की जगह अगर आप व्यवस्था और अव्यवस्था में अंतर करो तो ज़्यादा बेटर होगा, कि साम्यवाद की व्यवस्था अच्छी है या उदारवाद की व्यवस्था अच्छी है, आप उसमें अंतर पे अपना फोकस कीजिए। फंक्शनल थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन, ये डेविड मित्रेनी की का बेसिक सिद्धांत है और इसके ये निर्माता माने जाते हैं फंक्शनल थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन की। स्टेबल पीस का सिद्धांत दिया है केनेथ वाउल्डिंग ने 1978 के अंदर। स्टेबल पीस का मतलब क्या होता है, स्थिर शांति, स्थिर शांति, स्थिर अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाने और बनाए रखने की नीतियां प्रस्तुत करती है। आधुनिक युद्ध क्योंकि तेजी से विनाशकारी और महंगा होता जा रहा है, ये सारा कॉन्सेप्ट इन्होंने इस बुक के अंदर दिया है कि हमें पीस को स्टेबल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर पीस को हम स्टेबल नहीं कर पाए तो WMD इतने खतरनाक हो चुके हैं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, कि अगर पीस हम स्टेबल नहीं रख पाए तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। यही कॉन्सेप्ट इन्होंने इस बुक के अंदर डिस्क्राइब किया है। अ डाइंग कॉलोनियलिज्म एंड टू वार्ड द अफ्रीकन रिवोल्यूशन फ्रांस फैनन, तो इस तरीके से इन्होंने इस बुक के अंदर भी अपने इस थीसिस के अंदर भी इन्होंने अपने विचार प्रतिपादित किए हैं। रियलिज्म, रैशनलिज्म एंड रिवोल्यूशन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समाज की व्याख्या की है हेडले बुल ने। ठीक है, और हेडले बुल को आप जानते होंगे, हेडले बुल, मोर्गेंथू, आपको केनेथ वॉल्ट्ज, इस तरीके के जो ये चिंतक है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के, ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट चिंतक है। तो ये सेकंड ग्रेड डिबेट के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, तो सेकंड ग्रेड डिबेट क्या थी, परंपरावादी सिद्धांत वर्सेस वैज्ञानिक सिद्धांत, वैज्ञानिक सिद्धांत, ट्रेडिशनल वर्सी साइंटिफिक, ये साइंटिफिक डिबेट थी। पहली ग्रेड डिबेट आप लोगों को याद होगा, फर्स्ट ग्रेड डिबेट थी रियलिज्म वर्सेस आइडियलिज्म। तो फर्स्ट ग्रेड डिबेट थी रियलिज्म वर्सेस आइडियलिज्म और सेकंड ग्रेड डिबेट थी साइंस वर्सेस ट्रेडिशन। तो ट्रेडिशन का नेतृत्व कर रहे थे हेडले बुल। क्रीडो ऑफ रेलिवेंस, क्रीडो ऑफ रेलिवेंस जो सिद्धांत है
इसके अंदर उत्तर व्यवहारवाद की डेविड स्टर्न ने 7 विशेषताएं बताई थी। तो क्रीडो ऑफ रेलिवेंस का मतलब होता है कि इस तरीके का सिद्धांत अपनाया जाए जो कि रेलिवेंट हो। क्रीडो ऑफ रेलिवेंस का मतलब है इस तरीके की थ्योरीज अपनाई जाए जो कि रेलिवेंट हो। पार्टिसिपेशन एंड डेमोक्रेटिक थ्योरी, ये बुक लिखी है सी पैटमैन ने। मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी बुक लिखी है सी वी मैकफर्सन ने। द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी बुक भी लिखी है सी वी मैकफर्सन ने। डेवलपमेंट प्लानिंग एंड इंडियन स्टेट बुक लिखी है पार्था चटर्जी ने। इंडिया ग्लोबलाइजेशन एंड चेंज बुक लिखी है पामेला शर्मर स्मिथ ने। और थ्योरीज ऑफ नेशनलिज्म बुक लिखी है एंथनी डी स्मिथ ने। तो ये जितनी भी बुक्स है ये सारी की सारी नेशनलिज्म के साथ एसोसिएटेड है, थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बुक लिखी है मूनी एंड रिले ने। और मल्टीकल्चरलिज्म सिटीजनशिप बुक लिखी है विल किमलिका ने। तो ये बुक्स आपको याद रखनी है, और इनको याद रखने का तरीका है आपने इनको बार 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 लिख कर याद करना है, या फिर आप इसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं 10-10 बुक्स को। जब तक आपको याद ना हो जाए तब तक आपने आगे नहीं बढ़ना है। प्रबंधकीय ग्रिड, जो ग्रिड मॉडल है वो रॉबर्ट आर ब्लैक और जेन मोटन ने प्रतिपादित किया था, ठीक है। और ये नेतृत्व शैली का एक मॉडल है, लीडरशिप का ये मॉडल है। और इस मॉडल ने मूल रूप से लोगों के लिए चिंता और उत्पादन के लिए चिंता के आधार पर 5 अलग अलग नेतृत्व शैलियों की पहचान की है। इस मॉडल में इष्टतम नेतृत्व थ्योरी वाई पर आधारित है। अब देखो ये जो प्रबंधकीय ग्रिड है, बेसिकली 2 अजम्पशन इसकी है। पहली तो लोगों के प्रति चिंता, जो भी वर्कर काम कर रहे हैं उन वर्कर्स के प्रति चिंता, और दूसरा है प्रोडक्शन के प्रति चिंता, प्रोडक्शन के प्रति चिंता। तो इन दोनों को कैसे लोगों की नीड को भी पूरा किया जाए और अच्छा उत्पादन भी किया जाए, इसी काम को पूरा करने के लिए ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 बार हमारे एक्टिंग पीएम बने हैं। पहले 1964 में बने थे जब जवाहरलाल नेहरू की डेथ होती है, और दूसरी बार 1966 में ये एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनते हैं जब लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन होता है, ठीक है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री ये 2 बार बनते हैं और एकमात्र ऐसे ये प्रधानमंत्री हैं। दार्शनिक उपागम के समर्थक है प्लेटो, रूसो एंड हीगल, और भी काफ़ी सारे इसके अंदर चिंतक है, लेकिन बेसिकली जो फिलोसॉफिकल अप्रोच है वो दी है प्लेटो ने, उसके बाद रूसो ने और हीगल ने। ऐतिहासिक उपागम के समर्थक है हीगल, ऑगस्ट कामटे, कार्ल मार्क्स, हेनरी मैन और मैकाइवर। तो एक आपको क्या है, ब्रॉड ओवरव्यू आपको होना चाहिए कौन थिंकर किस प्रकार की अप्रोच का यूज करता है। लाइक मार्क्स, कार्ल मार्क्स आपने पढ़ा है, तो उसके अंदर आप हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म देखते हैं। तो इन्होंने क्या है, बेसिकली ये कार्ल मार्क्स इतिहास के आप कह सकते हैं इतिहास के ये स्टूडेंट थे, और इन्होंने हिस्ट्री के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस किया कि इन्होंने प्रिमिटिव एज से लेके रिसेंट तक आप कह सकते हैं हिस्टोरिकल स्टडी की, ठीक है। हीगल ने भी हिस्टोरिकल स्टडी की, हीगल ने हिस्ट्री को बेसिकली 3 भागों में डिवाइड किया था। पहले आपकी थी फैमिली से बनी सिविल सोसाइटी, सिविल सोसाइटी से आगे इन्होंने डिवाइड किया स्टेट को। तो इस तरीके से इन्होंने भी क्या है, राज्य को 3 भागों में हिस्टोरिकली डिवाइड किया है राज्य के विकास को। हेनरी मैन और मैकाइवर भी हिस्टोरिकल थ्योरी के साथ जुड़े हुए हैं। कानूनी उपागम के समर्थक, लीगल अप्रोच के समर्थक है डब्ल्यू रोशर, ब्राइस, थियोडोर बुलजे, डायसी और वुड्रो विल्सन। तो कानूनी उपागम बेसिकली होता क्या है, कानूनी उपागम होता है जिसके अंदर आप लीगल स्टडी करते हैं, जिसके अंदर आप कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी करते हैं, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ।
तो ये बेसिकली चिंतक इसके साथ जुड़े हुए हैं। संस्थात्मक उपागम, संस्थात्मक उपागम यानी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच से मतलब है राज्य के अंदर तथा बाहर उपस्थित विभिन्न संस्थाओं का अध्ययन करना, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसमें जो चिंतक है, जो हमारा थिंकर है, वो है ग्राम्शी। तो ग्राम्शी का जन्म इटली में 1891 के अंदर हुआ है और ग्राम्शी को क्रिटिकल थ्योरी, क्रिटिकल सिद्धांत का अग्रदूत माना जाता है। क्रिटिकल थ्योरी का मतलब क्या होता है? क्रिटिकल थ्योरी का मतलब एक मार्क्सवादी चिंतक है जो कि हर प्रकार की थ्योरी की आलोचना करती है। ये रियलिज्म की भी आलोचना करती है, ये आइडियलिज्म की भी आलोचना करती है, ठीक है, और इवन मार्क्स के जो बेसिक सिद्धांत है उसमें भी ये संशोधन करके उसकी आलोचना करती है। ग्राम्शी के क्रांतिकारी विचारों के कारण मुसोलिनी बौखला गया, जिसके कारण 1926 से 1934 तक फांसीवादी जेलों में उनको रखा गया। तो बेसिकली जो ग्राम्शी का कॉन्सेप्ट है, ग्राम्शी के जितने भी विचार है, वो 1926 से लेके 1934 के बीच ही प्रतिपादित किए गए हैं। तो इन्होंने क्योंकि जितना भी काम किया है, जितने भी वर्क किए हैं, सारे जेल में रहकर ही किए हैं। बेसिकली हुआ क्या था, ग्राम्शी 1913 में इटली के समाजवादी दल की सदस्यता लेते हैं और 1915 से सक्रिय रूप से वो राजनीति में आते हैं। 1921 में ग्राम्शी ने पीसीआई का मतलब होता है पार्टियो कम्युनिस्टा इटालिनो, इस पार्टी की स्थापना इटली के अंदर की थी। और जब ग्राम्शी ने क्या किया, ग्राम्शी ने जब पीसीआई के अंदर सक्रिय रूप से काम करना शुरू किया, तो ग्राम्शी की सक्रियता के कारण ही मुसोलिनी ने 1926 में इन्हें जेल में डाल दिया था, जहां पर इन्होंने अपने महत्वपूर्ण लेख लिखे जो कि बाद में नव मार्क्सवाद या क्रिटिकल थ्योरी के आधार बने। ग्राम्शी ने जेल में 30 नोटबुक्स 3000 पृष्ठों में लिखी, जिसका नाम इन्होंने मॉडर्न प्रिंस रखा। और इन्होंने मॉडर्न प्रिंस इसका नाम क्यों रखा, इन्होंने मॉडर्न प्रिंस नाम इसलिए रखा क्योंकि इनके जो अग्रदूत थे वो थे मैक्यावली, ठीक है। मैक्यावली ने द प्रिंस लिखी, तो मैक्यावली को ये अपना आदर्श मानते थे और कहते थे कि मैक्यावली क्योंकि इटली में पैदा हुए थे और मैं भी इटली में पैदा हुआ हूँ, तो वो मेरे क्या है, पूर्वज है और उनके सम्मान में। और दूसरा कारण ये था मॉडर्न प्रिंस लिखने का, ताकि उनको मतलब उनके ऊपर सीधी बात ना आए, अप्रत्यक्ष रूप से वो राज्य की ही आलोचना इसमें करना चाह रहे थे। ग्राम्शी के अनुसार फांसीवाद पूंजीवाद का एक रूप है जो तानाशाही पर आधारित है। तो जो फांसीवाद उस टाइम मुसोलिनी का था, मुसोलिनी के फांसीवाद को इन्होंने पूंजीवाद का ही रूप माना और कहा कि पूंजीवाद क्या होता है, पूंजीवाद तो अपने प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करता है, लेकिन फांसीवाद क्या है, फांसीवाद प्रोडक्शन के साथ साथ शोषण भी करता है जो कि तानाशाही पर आधारित होता है। लेनिन ने पूंजीवादी देशों में पूंजीवाद के बने रहने का कारण साम्राज्यवाद को माना, ठीक है। और अब लेनिन का कॉन्सेप्ट, हालांकि लेनिन का तो हमने आगे सारा पढ़ना है, तो लेनिन ने क्या है, पूंजीवादी देशों में पूंजीवाद के बने रहने का मूल कारण साम्राज्यवाद को माना था, लेकिन ग्राम्शी ने क्या माना, ग्राम्शी ने माना हेजेमनी को। ग्राम्शी ने पूंजीवाद के बने रहने का कारण सांस्कृतिक आधिपत्य यानी कल्चरल हेजेमनी को माना है। कल्चरल हेजेमनी क्या होती है, कल्चरल हेजेमनी से मतलब होता है कि लोगों के ऊपर आप डायरेक्टली दबाव नहीं बनाओगे, लोगों के ऊपर पुलिस या स्टेट को आप खड़ा नहीं करोगे, लोगों का कल्चर ही ऐसा बना दोगे जो पूंजीवाद के हिसाब से ढल जाएगा,
ठीक है, लोगों को क्या है उपभोक्तावादी कल्चर में कन्वर्ट आप कर दोगे, जैसे अभी जियो ने किया कि उपभोक्तावादी कल्चर बना दिया। पहले आप 1 GB एक महीने का यूज कर रहे थे डाटा, लेकिन फ्री में आपको डाटा देना शुरू कर दिया। अब आप दिन का 2 GB खत्म कर रहे हैं, दिन का आपको 3 GB भी दिया जाए तो वो भी आपको कम पड़ रहा है। यानी उपभोक्तावादी कल्चर ऐसा बनाया जाए कि आपकी जेब से पैसे जबरनी निकाले जा रहे हैं, आपका कल्चर ही इस तरीके से बना दिया कि आप 1-1 GB 2-2 GB डाटा दिन का खत्म कर रहे हैं। तो इसी तरीके से इन्होंने बोला कि पूंजीवाद के बने रहने का कारण क्या है, कल्चरल आधिपत्य या कल्चरल हेजमनी। मार्क्स के अनुसार आर्थिक रूप से प्रभुत्वशाली वर्ग के द्वारा राज्य पर आधिपत्य स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो मार्क्स ने पहले ही बोल दिया था कि जो आर्थिक रूप से प्रभुत्वशाली होगा, जिसके हाथ में पैसा होगा, वही राज्य पर आधिपत्य स्थापित करेगा, नागरिक समाज पर आधिपत्य के द्वारा स्थापित किया जाएगा। अब देखो यहां पे कार्ल मार्क्स ने बोला था कि जिसके पास पैसा होगा वो क्या करेगा, वो राज करेगा, लेकिन ग्राम्शी ने नीचे क्या बोला कि जिसका नागरिक समाज के ऊपर आधिपत्य होगा, जिसका नागरिक समाज के ऊपर आधिपत्य होगा वो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल के द्वारा क्या है, राज्य के ऊपर अपना शासन स्थापित करेगा। ठीक है, ग्राम्शी के अनुसार रचनात्मक बुद्धिजीवी जो होते हैं, रचनात्मक बुद्धिजीवी का मतलब होता है क्रिएटिव इंटेलेक्चुअल। ठीक है, क्रिएटिव इंटेलेक्चुअल होते हैं कलाकार और विद्वान। ठीक है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के समर्थक है गैब्रियल ए आमंड, डेविड ईस्टन और डेविड एप्टर। इसके बाद आप कार्ल ड्यूश को भी इसके अंदर रख सकते हैं। पॉलिटिकल डेवलपमेंट से संबंधित जो सिद्धांतकार है वो है मार्टिन लिप्सेट। पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जब भी आप पॉलिटिकल डेवलपमेंट की स्टडी करते हैं तो मार्टिन लिप्सेट की आप सिद्धांत को देखते हैं, लुशन पाई के सिद्धांत को आप देखेंगे पॉलिटिकल डेवलपमेंट का, कॉलमैन को देखेंगे, नॉबर्ट वियनर को देखेंगे और एमर्सन को बेसिकली आप देखेंगे अगर आप पॉलिटिकल डेवलपमेंट की स्टडी कर रहे हैं। बोडोलैंड आंदोलन एक अलग राज्य की मांग के लिए उठा आंदोलन था और बोडोलैंड की समस्या को सुलझाने के लिए 2003 में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल या बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन का निर्माण किया गया था। भाषा के आधार पर पहला भारतीय राज्य था आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश बना था 1953 के अंदर। छत्तीसगढ़, झारखंड व उत्तरांचल जो राज्य है वो क्रमशः मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से अलग होकर बने। ठीक है, तो ये आप देखते हैं जो छत्तीसगढ़ बना है वो बना है मध्य प्रदेश से अलग होके, झारखंड और झारखंड बना है बिहार से अलग होकर, और उत्तरांचल बना है आपका उत्तर प्रदेश से अलग होकर सन 2000 के अंदर। आंध्र प्रदेश पहले मद्रास यानी तमिलनाडु का इलाका होता था 1953 से पहले। 15 अगस्त 1985 में असम छात्र संगठन के साथ हुए समझौते में बोडोलैंड के लोगों को नजरअंदाज कर दिया था, जिस कारण ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन के नेतृत्व में बोडोलैंड आंदोलन 1988 का प्रारंभ हुआ। बोडोलैंड, ठीक है, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में चला था। ऑपरेशन ब्लू स्टार बेसिकली 1-8 जून 1984 के बीच किए गए एक भारतीय सैन्य कार्यवाही का कोड नाम था, जो अमृतसर पंजाब में हरमिंदर साहिब परिसर की इमारतों को ध्वस्त करने के लिए साथ साथ जर्नेल सिंह भिंडरावाले और उसके अनुयायियों को पकड़ने के लिए चलाया गया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार। और इसके बाद आप देखते हैं इसके तहत क्या है, सिख दंगे भी हुए थे पंजाब के अंदर जो कि बहुत ही खतरनाक साबित हुए थे। राजीव लोंगोवाल समझौता, ये जुलाई 1985 में हुआ, ये जो आंदोलन चल रहा था बेसिकली,
इस आंदोलन को सुलझाने के लिए जुलाई 1985 के अंदर हुआ था ये समझौता, राजीव लोंगोवाल समझौता। और इस समझौते के द्वारा क्या हुआ, इस समझौते के द्वारा भारत सरकार ने सिखों की थोड़ी बहुत मांगे मान ली थी। थोड़ी बहुत मांगे जैसे ही मानी गई, वैसे ही सिखों ने और लोंगोवाल ने अपना आंदोलन वापिस ले लिया। लेकिन जब सिखों को पता लगा कि हमारी तो बिल्कुल थोड़ी सी मांगे मानी गई है, उसके कारण क्या किया गया, उन्होंने प्रदर्शनकारियों ने गुरचरण सिंह लोंगोवाल की ही हत्या कर दी कि आपने सिखों के साथ धोखा किया है, हमें अभी भी सेपरेट रीजन के रूप में, रिलीजन के रूप में मान्यता नहीं मिली है। नागालैंड को 1 दिसंबर 1963 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। दोस्तों ये इस तरीके के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये कभी भी मैच करने के लिए आ सकते हैं। लाइक आपके सामने चार राज्य आ गए, ये मिजोरम आ गया, मेघालय आ गया, गोवा आ गया, ठीक है, सिक्किम आ गया। इस तरीके से आपने इसको मैच करना है कि पहला कौन सा बना, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, या फिर डायरेक्टली आपके सामने डेट दी जाएगी, फिर आपने उसको मैच करना है। तो ये आपने, आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया होना चाहिए कि कौन सा राज्य कब बना। भारतीय संघ को केंद्रीय प्रवृत्ति अभिमुख संघ की संज्ञा दी है आइवर जेनिंग्स ने। यानी जो इंडियन यूनियन है, भारतीय जो संघवाद है, वो क्या है, सेंटर ट्रेंड ओरिएंटेड यूनियन, कि इसका पूरा का पूरा झुकाव किधर है, सेंटर की ओर है। पूरी शक्तियां, ज़्यादा शक्तियां किसके पास है, सेंटर के पास है। शेख अब्दुल्ला एवं इंदिरा गांधी ने बेरुवाड़ी व एनक्लेव को लेकर एक समझौता किया था जो कि 1974 में हुआ, और ये असफल रहा, और 2015 में ये सफल हो पाया जब 100 अमेंडमेंट हुआ, जो कि मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूं। गोरखालैंड पश्चिम बंगाल में एक अलगाववादी आंदोलन था जिसका नेतृत्व किया था सुभाष घिसिंग ने। गोरखालैंड का नेतृत्व किसने किया था, सुभाष घिसिंग ने। तो इस तरीके से डायरेक्ट मैच करने के लिए क्वेश्चन आते हैं। आपने देखा होगा कि चिपको आंदोलन से रिलेटेड कौन है, गोरखालैंड आंदोलन से कौन रिलेटेड है, बोडोलैंड आंदोलन से रिलेटेड कौन है, तो उसको मैच करने के लिए कई बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा की स्थापना 1980 में सुभाष घिसिंग ने की थी, और इसकी स्थापना की गई थी गोरखालैंड आंदोलन के लिए। स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने 1936 में की थी, और एनहिलेशन ऑफ कास्ट में इन्होंने क्या किया था, ब्राह्मणों के दबदबे को कम करने तथा मजदूरों की दशा सुधारने के लिए अपने विचार प्रतिपादित किए थे। 12 मार्च 1993 में मुंबई के अंदर 13 सीरियल बम धमाके होते हैं। आपने मुंबई अटैक या फिर मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट के बारे में सुना होगा, तो ये 13 सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे जिसका मास्टरमाइंड था दाऊद। दाऊद इसका मास्टरमाइंड था, और ये जो धमाके हुए थे बेसिकली व्यापारिक लाभ और गुटबंदी के चलते हुए थे, जिसके अंदर 317 लोग मारे गए थे। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी आंध्र प्रदेश का एक क्षेत्रीय दल है, और ये एकमात्र ऐसा क्षेत्रीय दल है जिसने संसद के अंदर 1984 से 1989 तक विपक्षी दल के रूप में मान्यता प्राप्त की। विपक्षी दल का मतलब है ओपोजिशन पार्टी के रूप में जिसने अपनी मान्यता प्राप्त की थी। धरती पुत्र सन ऑफ सॉयल का नारा सर्वप्रथम महाराष्ट्र में शिवसेना द्वारा प्रतिपादित किया गया था, और बाद में इसको तमिलनाडु में और असम में भी अपनाया गया था। तो सन ऑफ सॉयल का मतलब होता है कि महाराष्ट्र मराठी के लिए, महाराष्ट्र मराठी के लिए, क्योंकि हम यहीं के धरती पुत्र हैं, ठीक है। पहले जो नौकरी मिलनी चाहिए वो महाराष्ट्रवासियों को मिलनी चाहिए, उसके बाद जो बाहर से यहाँ पे इमिग्रेंट्स हुए हैं, श्रमिक या फिर आप बोल सकते हैं लोग, उसके बाद उनको नौकरी दी जानी चाहिए। तो सन ऑफ सॉयल ये नारा दिया था सबसे पहले शिव सेना ने।
जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई है 1938 में, और जम्मू कश्मीर की राजनीति को अगर आपने समझना है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को आपको समझना पड़ेगा, और शेख अब्दुल्ला ने इस पार्टी की स्थापना की थी। डीएमके का निशान चिन्ह जो है, चुनाव चिन्ह है, वो है चढ़ता सूरज। 1949 के अंदर आपने देखा होगा, 1949 में अन्नादुराई ने पेरियार के साथ जो अन्नादुराई के मतभेद थे उसके कारण क्या किया, द्रविड़ार कड़गम से अलग होकर डीएमके यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का निर्माण किया। तो डीएमके के जो फाउंडर है वो है अन्नादुराई, इनका मतभेद किसके साथ था, पेरियार के साथ, और पहले इसे कहा जाता था द्रविड़ार कड़गम, और उससे पहले इसे कहा जाता था जस्टिस पार्टी। तो जस्टिस पार्टी से बना द्रविड़ार कड़गम, द्रविड़ार कड़गम से बना डीएमके, और डीएमके में भी आगे फूट पड़ती है, डीएमके से बना एआईडीएमके जो कि 1972 में बना। ठीक है, तो एक ही ओरिजिन जस्टिस पार्टी से हुआ, उसके बाद द्रविड़ार कड़गम, उसके बाद डीएमके, और उसके बाद बनी एआईडीएमके 1972 के अंदर। ग्राम्शी मैक्यावली के यथार्थवाद से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, और ग्राम्शी ने मैक्यावली को अपना पूर्वज माना, जो कि पहले ही आपको बता चुका हूं। असम गण परिषद की स्थापना हुई है असम के अंदर 1985 के अंदर, 1985 के अंदर, और असम गण परिषद एक क्षेत्रीय दल है असम के अंदर। स्वतंत्रता के समय देश के अंदर 552 देशी रियासतें थी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अगर आप दूसरी बुक देखते हैं, दूसरी बुक्स में आपको 665 देशी रियासतें भी मिलती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपको मिलेगी 552 देशी रियासतें स्वतंत्रता के समय। गुजरात मुंबई से मराठी भाषा के आधार पर अलग हुआ, ये कब हुआ, 1 मई 1960 में। तो जो मुंबई है, मुंबई मराठियों के लिए, तो मुंबई और मराठी में मतभेद बेसिकली भाषा को लेकर थे, मुंबई बना है मराठी भाषा के अंतर्गत, लेकिन माना जाता है कि गुजरात गुजराती के आधार पर नहीं बना है। ठीक है, गुजरात गुजराती लैंग्वेज के आधार पर नहीं बना है, लेकिन मुंबई मराठी आधार पर बना है, और ये डिवाइड हुए थे 1 मई 1960 में। आनंदपुर प्रस्ताव सन 1973 में पास किया गया, और इसका मुख्य उद्देश्य था सिख धर्म को एक स्वतंत्र धर्म के रूप में मान्यता प्रदान करना, लेकिन ये आनंदपुर जो प्रस्ताव था ये सफल नहीं हो पाया। आज भी सिख बौद्ध और जैन धर्म को हिंदू धर्म का एक हिस्सा माना जाता है। जब आप इंडियन पॉलिटी को पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर सिख धर्म बौद्ध धर्म और जैन धर्म को क्या है, हिंदू धर्म का ही एक पार्ट माना जाता है, इन्हें अलग से धर्म का की संज्ञा नहीं दी गई है। इंग्लिश वाले भी एक बार इसको पढ़ सकते हैं। मिजो के रूप में अलग देश की मांग लाल डेंगा के नेतृत्व में असम के मिजो लोगों ने एमएनएफ संगठन के तहत उठाई। अब देखिए MNF जो संगठन है, मिजो नेशनल फ्रंट, इसके जो नेता थे वो थे लाल डेंगा, और लाल डेंगा ने एक मिजो अलग राज्य की मांग उठाई, देश से अलग होकर इन्होंने कोशिश की कि हम अपना एक अलग देश बनाएंगे, और ये आंदोलन इतना हिंसक हो उठा कि 28 फरवरी 1966 से लेके 25 मार्च 1966 तक ये चला, और ये एकमात्र ऐसा हिंसक आंदोलन है जिसके लिए भारत सरकार को क्या है, एयर स्ट्राइक करनी पड़ी थी। एयर स्ट्राइक का क्या मतलब होता है, आकाश से गोले दागे गए, इतना ये हिंसक हो चुका था कि एरोप्लेन से क्या है, लड़ाकू विमानों से क्या है, गोले दागे गए इस आंदोलन को रोकने के लिए। गोरखालैंड आंदोलन का नेतृत्व जो कि सुभाष गिसिंग ने किया था, गोरखालैंड भी मिजो की तरह एक अलगाववादी आंदोलन था, यानी गोरखालैंड भी एक अलग राज्य की मांग कर रहे थे, देश से अलग होकर एक अलग देश बनाने की मांग कर रहे थे, और
इसमें पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी और दावोस के इलाके शामिल थे। इसके चलते 1988 में गोरखा हिल का निर्माण किया गया, गोरखा हिल परिषद का निर्माण किया गया। एससी और एसटी के लिए लोकसभा के अंदर आरक्षण की व्यवस्था 104वें अमेंडमेंट के द्वारा 2030 तक बढ़ा दिया गया है। मंडल आयोग की नियुक्ति अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के लिए मोरारजी देसाई ने 1979 में की। मंडल आयोग की जो स्थापना है वो मोरारजी देसाई ने की थी, यानी आप बोल सकते हैं जनता दल ने की थी 1979 के अंदर, जिसकी सिफारिशों को नेशनल फ्रंट की सरकार ने, जो नेशनल फ्रंट की सरकार के प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह, इन्होंने 1990 में लागू किया। जिसके चलते क्या हुआ, देश के अंदर कांग्रेस और बीजेपी के छात्र नेताओं ने क्या है, हिंसक प्रदर्शन करने शुरू कर दिए और कुछ समय के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस रिपोर्ट के ऊपर रोक लगा दी। लेकिन थोड़े ही समय के बाद इस रोक को हटा दिया गया और ओबीसी के लिए 27% जो आरक्षण मिलता है उसे लागू कर दिया गया। आंध्र प्रदेश में साम्यवादी दल की स्थापना 1934 में हुई। एक संस्था के रूप में 1909 में लाला लाजपत राय ने पंजाब में हिंदू सभा की स्थापना की। तो 1909 में लाला लाजपत राय ने सबसे पहले किसकी स्थापना की, हिंदू सभा की। 1913 में इसे ऑल इंडिया हिंदू महासभा बनाने का प्रस्ताव रखा गया था और 1915 में मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में हिंदू महासभा का गठन किया गया और 1933 में ये एक राजनीतिक दल बना। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हिंदू महासभा के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 1909 में सबसे पहले इसका ओरिजिन होता है पंजाब की हिंदू सभा के रूप में। उसके बाद 1913 में इसे ऑल इंडिया हिंदू महासभा बनाने का प्रस्ताव रखा गया था और 1915 में मदन मोहन मालवीय पहले इसके अध्यक्ष थे, इनकी अध्यक्षता में हिंदू महासभा का गठन किया गया और 1933 में ये पॉलिटिकल पार्टी बना। ब्रिटिश इंडिया कंपनी का भारत के अंदर व्यापारिक एकाधिकार खत्म कर दिया गया था 1813 में, लेकिन चीन के साथ व्यापार बना रहा था एज इट इज। लेकिन 1933 का जो अधिनियम आता है उस अधिनियम के तहत चीन के साथ जो अफीम का व्यापार था उसका एकाधिकार भी कंपनी का खत्म कर दिया गया। सन 1967 में 9 राज्य ऐसे थे जहां पे गैर कांग्रेसी सरकार बनी 1967 में, और 1967 के बाद प्रभुत्व जो कांग्रेस का था, वन पार्टी डोमिनेंस था, वो खत्म होता है इंडिया के अंदर। कर्नाटक को 1973 से पहले मैसूर कहा जाता था, आई होप सभी को ये पता होगा। मायरन वीनर भारत में क्षेत्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने क्षेत्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए मार्क्सवादी उपागम अपनाया जिसमें इन्होंने आर्थिक व सामाजिक तत्वों को आधार माना। तो दो चिंतक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जब भी आप रीजनल पॉलिटिक्स इंडिया में पढ़ते हैं तो उसके अंदर दो चिंतक है जिन्होंने अप्रोचेस दी है रीजनल पॉलिटिक्स को समझने के लिए। पहले मायरन वीनर, इन्होंने मार्क्सवादी सिद्धांत इसमें अपनाया है, यानी आर्थिक आधार पर ही इन्होंने समझा है। लाइक कुछ जो स्टेट है इंडिया के अंदर वो बहुत ज़्यादा विकसित है आर्थिक आधार पर, कुछ बहुत ज़्यादा कम विकसित है, तो उस आधार पर ही पूरी स्टडी की है मायरन वीनर ने। और दूसरे जो सिद्धांतकार माने जाते हैं वो है इकबाल नारायण, और इकबाल नारायण ने क्या है, सिस्टम अप्रोच को यूज किया है क्षेत्रीय राजनीति को समझने के लिए। 1960 में डीएमके ने स्वतंत्र तमिलनाडु की मांग की। तो तमिलनाडु में भी तमिलनाडु फॉर तमिल्स ये नारा उठा था, पहले ही आपको बता चुका हूं मैं, सन ऑफ द सॉयल। मणिपुर, त्रिपुरा व मेघालय की स्थापना सन 1972 में हुई। ये तो तीनों जो राज्य है इनकी स्थापना हुई है 1972 के अंदर।
और मिजोरम राज्य की स्थापना हुई है 1987 के अंदर। तो दोस्तों ये आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको रट के याद करने होंगे या बार बार लिख के याद करने होंगे, आप इसकी ट्रिक्स भी बना सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।